नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज और मैं आपके साथ वंदना। ये नजर डालते हैं प्रमुख खबर पे। हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की खबर मधेपुरा से। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के वृंदावन उच्च माध्यमिक विद्यालय के सेवानिवृत्त प्राचार्य सत्यनारायण रजक पर 4,35,000 रुपए के अवैध निकासी के आरोप में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने FIR का आदेश दिया है। बताया जाता है कि पूर्व प्राचार्य ने विद्यालय के विभिन्न विकास योजना मद से इस राशि की निकासी की है। वे 31 अक्टूबर 2020 को ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन अब तक वे नए प्राचार्य को प्रभार भी नहीं सौंपे हैं। इस संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सूर्य प्रकाश यादव ने बताया है कि जल्द FIR कर दिया जाएगा। किस मत में निकल तो जानकारी नहीं है किस मत का है जी। तो उसका क्या आय व्यय का कुछ ब्यौरा है स्कूल में? कुछ नहीं है। किस मत का पैसा था यार? जब हमको प्रभार में पूर्ण मिलेगा तब हमको जानकारी है। संज्ञान में आया है और विभाग से चिट्ठी भी पत्र भी प्राप्त हुआ है, उन पर FIR दर्ज किया जाएगा।